कौन से ऐसे यूनिक फीचर्स आते हैं जो इस सेगमेंट की किसी कार में नहीं आते, मतलब आप गाड़ी चलाते चलाते पीछे आपके कौन आ रहा है वो सारी चीजें देखने के लिए भी आप इसको ऑन कर सकते हैं। इसमें गाड़ी आपको नंबर देगी कि आप गाड़ी कैसे चलाते हो। सेट फैन स्पीड टू 5। श्योर, सेटिंग फैन स्पीड टू 5। फैन स्पीड को 1 पे सेट करो। सेट किया जा रहा है। जो प्रीमियम कार का जो फील है वो प्रॉपरली आपको मिल जाएगा इस गाड़ी में। सो वेलकम बैक अगेन टू द चैनल, मेरा नाम है अंकुर एंड आज मैं लेकर के आ गया हूँ आपको एक और नई वीडियो में हमारी एल्ट्रॉस के बारे में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ हमारी टाटा एल्ट्रॉस एक्सट्रीम मॉडल है, तो इसमें जो ये टस्किन आप देख रहे हो इसमें कौन कौन से फीचर्स आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, कौन से ऐसे यूनिक फीचर्स आते हैं जो इस सेगमेंट की किसी कार में नहीं आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड इस गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू आप देखना चाहते हो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है, वहां पे आप जाके देख सकते हो। इसमें मैंने परफॉर्मेंस भी गाड़ी की दिखाई है, गाड़ी पिकअप कैसे लेती है, कोई इशू तो नहीं आता, इंजन वाइज आपके जो भी डाउट्स है वो सारी चीज मैंने क्लियर करने की कोशिश की है, ठीक है। एंड आप इसका डिलीवरी वीडियो भी देखना चाहते हो वो भी आप ऊपर देख सकते हो। एंड चैनल को एक बार चेकआउट जरूर करिएगा क्योंकि क्या है बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैंने बना करके उसमें पोस्ट की है, आपके लिए कहीं ना कहीं वो चीजें हेल्पफुल होंगी, ठीक है। तो आज हम लोग का फोकस रहने वाला है इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जो चीजें आपको यहां से विजिबल हो सकती है वो मैं आपको बता देता हूं। तो इसमें फीचर्स जो जो आते हैं, देखिए सबसे पहली चीज तो होती है नॉर्मल फीचर्स आने जो हर गाड़ी में आते हैं वो कॉमन होते हैं, जैसे आपको मिल जाएगा एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, ठीक है। और इसमें मिल जाता है आपको वॉइस असिस्ट फीचर भी मिलता है, वॉइस अलर्ट सिस्टम भी इस गाड़ी में आता है। वो कैसे काम करता है उसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है जो आप ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है, वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो ये तो सारी चीजें इस चीज में आपको देखने को मिलने वाली है, इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको देखने को मिलेंगी। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो साउंड आउटपुट है, म्यूजिक सिस्टम है, इसमें 6 स्पीकर्स आते हैं, मतलब 4 स्पीकर आएंगे टोटली आपके, वो JBL के होंगे हार्मन कार्डन की तरफ से। एंड 2 ट्विटर्स मिलते हैं जो आप देख सकते हो यहाँ पे लगे हुए हैं, ये आपको दिख रहा है ये ट्विटर है इसका, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका इंफोटेनमेंट में क्या क्या चीजें आती है, मतलब कैसे काम करते हैं, ओवरऑल मोटा मोटा मैंने आपको सारी चीजें बता दी। अब मैं बात कर लेता हूँ कि इसमें जो फीचर्स दिए गए हैं वो यूनिकली मैं आपको एक एक चीजें सारी चीजें बता देता हूँ। सबसे पहली चीज आपको इसमें मिल जाती है एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वॉट 3 वर्ड्स, रेडियो, USB, वॉइस कमांड, आप सुनते जाइए पहले क्या क्या चीजें इसमें हैं, ऑडियो सिस्टम है, एम्बिएंट लाइटिंग है, एम्बिएंट लाइटिंग क्या काम करती है वो भी मैं आपको भी इसी वीडियो में दिखा दूंगा। एंड एक क्लिप रात की भी ऐड कर दूंगा क्योंकि एम्बिएंट लाइट जो है वो आपको अभी इसमें दिखने वाली है नहीं, दिन का टाइम है, या मे भी दिख भी जाए दिख जाएगी वैसे यहाँ पे, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। ब्लूटूथ ऑडियो हर गाड़ी में रहता है वो भी है इसमें, कॉन्टैक्ट्स है जो आप सिंक करके सारी चीजें यहाँ से कर सकते हो, डूडल है, ड्राइव नेक्स्ट फीचर है, उसके बाद आ जाते हैं तो फेवरेट्स है, आईपॉड, पार्क असिस्ट भी है, फोन सेटअप सेटिंग्स, उसके बाद साउंड डेमो, आप गाड़ी को अगर आप साउंड डेमो चेक करना चाहते हो तो गाड़ी में इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में इनबिल्ट चीजें हैं उनको आप प्ले करके इसका साउंड आउटपुट का क्वालिटी जो है वो आप खुद से टेस्ट आउट कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। थीम्स इसमें है अलग अलग तरीके की, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी पुरानी कार की वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो, हमारे पास एक सफारी थी उसका भी मैं आपको आई बटन में लिंक ऊपर दे रहा हूँ, आप वहां पे जाके उसको देख सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए एक एक करके चीजों को मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये आपका कुछ डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, ये है 7.5 इंचेस का ओवरऑल इसमें डिस्प्ले साइज मिलता है। एंड अब मैं बात कर लेता हूँ इसमें आपको फीचर्स क्या क्या मिलते हैं। सबसे पहले आपको फ्रंट पैनल की मैं बात करूँ तो जो जो चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले तो ये आपका पावर बटन का स्विच है, आप इसको दबा दोगे तो ये इंफोटेनमेंट सिस्टम आपका एक तरीके से ऑफ हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपको एनालॉग क्लॉक का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आप इसको करके भी गाड़ी को चला सकते हो, ठीक है। एंड जब आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम को ऑन करना है आप यहाँ पे पावर बटन को स्टार्ट करिए, इंफोटेनमेंट आपका स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहली चीज जो आपको डिस्प्ले में देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे आपको टाइम देखने को मिलेगा, लेफ्ट साइड में आपको मिल जाएगा आपका FM जो चल रहा है, जो चैनल प्ले हो रहा है अभी फिलहाल वो आपको देखने को मिलेगा। राइट साइड में AC के सारे कंट्रोल्स, जो AC कितने नंबर पे ब्लोअर है, टेम्परेचर क्या सेट है, किस साइड में फैन किस साइड में एयर फ्लो जा रहा है वो भी आपको देखने को मिलेगा। सेकेंड चीज जो मैं बताऊंगा आपको वो है यहाँ पे आपको वॉल्यूम रॉकर्स के स्विचेस मिल जाते हैं, उसके बाद यहीं से आप म्यूट कर सकते हो, अनम्यूट कर सकते हो, यूजर की सेटिंग्स आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, सेटिंग्स डायरेक्टली आपको जाना है तो भी आप यहाँ से जा सकते हो। उसके बाद आपको मिल जाती है मूड लाइटिंग को ऑन ऑफ करने का फीचर, चैनल चेंज करने का फीचर, कनेक्ट करना है तो वो आपको शॉर्टकट में सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद जो इसमें फीचर आता है वो आता है ट्रिप का, मतलब आपने जो भी इसमें गाड़ी में ट्रिप की हुई है वो आपको ओवरऑल गाड़ी नंबर देगी,
इस चीज को आप ऐसे समझिए, मान के चलो आप ड्राइविंग स्कूल में आप जा रहे हो गाड़ी सीखने, ठीक है, आप गाड़ी ड्राइव किए तो जो आपके बगल में बैठ के आपको जो सिखाता है वो आपको नंबर देगा, वो आपको बताएगा कि आप गाड़ी कैसे चलाए, वही चीज है ये। मतलब इसमें गाड़ी आपको नंबर देगी कि आप गाड़ी कैसे चलाते हो, ठीक है, आप गाड़ी आप चलाओगे बट नंबर आपको आपकी कार देगी कि भाई आप कैसे ड्राइवर हो, ठीक है। तो ये फीचर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर मेरे को देखने को मिल रहा है, ये फीचर मुझे बहुत पसंद आया। ये क्या है, कैसी चीजें ये काम करती है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप देख सकते हो करंट ट्रिप में है, मैं ट्रिप ए आपको लगा करके दिखा देता हूँ, उसमें आपको गाड़ी शो करेगी आपने एफिशिएंसी कैसे निकाली है, आप एफिशिएंटली ड्राइव करते हो या नहीं, फ्यूल इकोनॉमी आपको अभी गाड़ी फिलहाल क्या दे रही है, इंजन आइडल टाइम क्या हो गया है, एवरेज स्पीड आपकी गाड़ी की क्या रही इन ट्रिप ए। ऐसे आपको ट्रिप दो मिल जाता है, ट्रिप ए ट्रिप बी मिल जाता है, एक आपका बेस्ट परफॉर्मेंस का भी इसमें देखने को मिल जाएगा। टॉप स्पीड आप कितना गए हो ट्रिप ए के अंदर वो आपको देखने को मिलेगा, 85 किलोमीटर हमने चलाया, ज्यादा चलाए नहीं इसको स्पीड, क्योंकि नई नई गाड़ी आप सब जानते होंगे, है ना। प्रॉपर गियर यूटिलाइजेशन, आप गियर कैसे चेंज कर रहे हो, गियर का यूटिलाइजेशन आप कैसे कर रहे हो वो भी आपको गाड़ी बताएगी। तो ये वही बात हो गई ना, गाड़ी आपको नंबर दे रही है एंड आपको देखना है खुद कि आप गाड़ी के हिसाब से ठीक ठाक चल सकते हो या नहीं, ठीक है। सबसे उसके बाद आता है मोस्ट यूज गियर, सबसे ज्यादा गियर को आपने यूज कैसे किया। उसके बाद आपको देखने को मिलता है यहाँ पे सेफ्टी, ये हो गया ड्राइविंग का हो गया, सेकंड आपको मिल जाएगी यहाँ पे सेफ्टी को देखने के लिए, उसमें आपको मिलेगा आपने ओवर स्पीडिंग कितने बार किया, तो ओवर स्पीडिंग 0% दिखा रहा है, हार्श एक्सेलरेशन आपने 22 टाइम्स किया, हार्श ब्रेक कितने बार किया, वो सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। सीट बेल्ट यूटिलाइजेशन कैसा हुआ, ये डीग्रेड या अभी जैसे डीग्रेड हो रहा है क्योंकि गाड़ी ऑन है एंड अभी हमने सीट बेल्ट नहीं लगाया इसलिए ये कम होते जा रहा है। तो देखो सेफ्टी का आपको सेगमेंट मिल गया, ड्राइविंग का मिल गया, एफिशिएंसी का मिल गया, ठीक है। ये था ट्रिप ए। ट्रिप बी एक आपको मिल जाता है ओवरऑल स्कोर, जब तक आपने गाड़ी खरीदी तब से आपका सारी चीजें इसमें रहेंगी, एक रहेगा आपका बेस्ट जो आपने सबसे बेस्ट किया था और एक रहेगा रिसेंट वाला लास्ट ट्रिप वाला, ठीक है। तो ये तो सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिल जाती है। सबसे पहले मैंने आपको दिखा दी, यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो चीजों को एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार पे, इसको आपको मैप वगैरह कैसे कनेक्ट करना है वो वीडियो मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ। कई लोगों को डाउट होता है कि मैप्स कैसे चलाना है एंड्रॉइड ऑटो या एप्पल कार प्ले के थ्रू, तो वो वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साइड में अगर अपन चलते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा वही दोनों चीजें। वॉट थ्री वर्ड्स क्या है, वॉट थ्री वर्ड्स एक टाटा मोटर्स का इनिशिएटिव है, मतलब हर 3 मीटर स्क्वायर के रेडियस एरिया में आपको एक यूनिक वर्ड्स की कोडिंग दी जाती है, उसके तहत आप किसी भी एक्यूरेट लोकेशन पे आप जा सकते हो, मतलब हर 3 मीटर स्क्वायर में आपको वो चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। वो क्या है वो आप एक बार देख लो खुद से, पूरा मैं नहीं दिखाऊंगा बाकी आप समझ सकते हो यहाँ से, ठीक है। मैं जो भी था आपको ओवरऑल बता दे, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएंगी, ठीक है। फोर्थ रिवर्स में आप कहीं पे भी, मतलब एक तरीके का ये इनबिल्ट नेविगेशन है जो गाड़ी में दिया गया है हर 3 मीटर स्क्वायर में जाने के लिए, ठीक है, मतलब एक्यूरेटली 3 मीटर स्क्वायर तक जाने के लिए। उसके बाद रेडियो मिल जाएगा, यूएसबी मिल जाएगा, यूएसबी से आप इसमें बहुत सारी चीजें कर सकते हो, मालूम है, मतलब जैसे आपको कोई इमेज शो करनी है, कोई जैसे आपके कोई फैमिली मेंबर्स बैठे हैं गाड़ी में, आपको उनको फोटोज दिखाने, रिसेंटली हमने फोटो वगैरह लिया वो फोटो आपको दिखानी, यूएसबी से आप इमेजेस शो कर सकते हो, वीडियो प्ले कर सकते हो, यूएसबी में आप अपनी पिक्चर डाल करके, कोई पिक्चर मूवी डाल करके, हैंड ब्रेक आपका ऊपर रहना लगा रहना चाहिए, उसके बाद ही आप ये सारी चीजें ऑपरेट कर पाओगे, ठीक है। यूएसबी से ये भी हो जाएगा, वॉइस कमांड आप दे सकते हो, वो कैसे काम करेगा वो भी मैं आपको इसी वीडियो में आगे चल करके बताने वाला हूँ। उसका स्विच आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है, ये दिख रहा है वॉइस कमांड का फीचर। उसके बाद अपन चलते हैं, ऑडियो सेटअप आपको देखने को मिल जाएगा, बेस मिडल ट्रेबल, और यहाँ से आप ये सारी चीजें आपको पता ही है, इक्वलाइजर को आप सेट कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद अपन आ जाते हैं एम्बियंट लाइटिंग। एम्बियंट लाइटिंग क्या है वो मैं अभी आपको दिखाई देता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाइट को एक बार ऑन करना पड़ेगा, जो पार्किंग लैंप होती है उसको ऑन करना है। उसके बाद आप एम्बियंट लाइटिंग में जाओ, उसको यहाँ से ऑन कर दो, ठीक है। अब एम्बियंट लाइटिंग कहाँ आएगी वो मैं आपको अभी तो दिखेगा नहीं उतने अच्छे से, पर फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। यहाँ पे जो दिख रहा है, जैसे मेरा पर्स यहाँ पे रखा हुआ है, ये जो ब्लू लाइटिंग आ रही है देखो, ठीक है, ये अब आपको शायद दिख गया होगा, ब्लू लाइटिंग जो आ रही है यही है अपनी एम्बियंट लाइट्स, ये देखो दिख रहे हैं ब्लू लाइट्स, वो इसकी एम्बियंट लाइट है। एंड सेकंड चीज मैं दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे भी देखने को आपको मिल जाएगा, ये देखो ये है इसकी एम्बियंट लाइट। ये सारी चीजें आपको रात में देखने को काफी अच्छे से मिलने वाली है, तो चलिए अभी इसको ऑफ कर देते हैं। तो उसके बाद यही एम्बियंट लाइट में आपको अप्रोच वगैरह का भी फंक्शन मिल जाएगा देखने के लिए। अभी बाहर आ जाते हैं। ब्लूटूथ ऑडियो से आप ब्लूटूथ चला करके कुछ भी चीजें को कनेक्ट कर सकते हो, कॉन्टैक्ट्स को सिंक कर सकते हो। डूडल एक एप्लीकेशन, डूडल ये क्या चीज है ये मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना करके दिखाऊंगा, ठीक है, ये मैं इसमें नहीं दिखा रहा हूँ।
ड्राइव नेक्स्ट का जो है इसमें आपको कनेक्ट नेक्स्ट का फीचर आता है, ठीक है। वो क्या चीज काम करता है वो मैं क्लिप आपको घर जाके ऐड कर दूंगा, आप देखने को मिल जाएगा वो सारी चीजें। इसके साइड में आ जाते हैं तो आपको मिलता है यहाँ पे फेवरेट्स, कोई भी चीजों को आप अपनी फेवरेट्स लिस्ट में डाल सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता ही होंगी, आई नो। पार्क असिस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो कैसे काम करता है मैं आपको दिखा दूं। अभी गाड़ी खड़ी है, रिवर्स गियर मैं नहीं लगाऊंगा, हैंड ब्रेक मैंने नीचे कर दिया, आप देखो रिवर्स गियर नहीं लगाऊंगा मैं, ठीक है, जस्ट इसको टच करूंगा, ये देखो। और ये फीचर तब तक काम करेगा जब आप गाड़ी भी चलाओगे, ठीक है। ये देखो मैं गाड़ी जब चलाऊंगा, ये देखो मेरी कार चलने लग गई, ठीक है। और ये देखो ये भी काम कर रहा है, ठीक है। मतलब आप गाड़ी चलाते चलाते पीछे आपके कौन आ रहा है वो सारी चीजें देखने के लिए भी आप इसको ऑन कर सकते हो। ये काफी अच्छा फीचर लगा मुझे, जस्ट इन केस पीछे जो आपका शेल्फ है, पार्सल शेल्फ है, वहां पे आपने पूरा सामान अगर रख दिया है, रखना तो नहीं चाहिए वैसे, बट आपने अगर रख दिया है, अर्जेंट में आपको कहीं जाना था, आपने सामान डाल दिया, उसके बाद आप इस फीचर का यूज ले सकते हो। तो ये फीचर मेरे हिसाब से ना मेरे को बहुत पसंद आया। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं फोन में आप जाकर के पेयर कर सकते हो नई नई डिवाइस वगैरह, वो सारी चीजें भी आपको मालूम होंगी। फोन सेटअप में आप जा सकते हो, फोन सेटअप नया पेयर कर सकते हो डिवाइस को। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, वो आता है इसका सेटिंग, ओवरऑल सेटिंग। व्हीकल सेटअप आ जाता है, पार्क असिस्ट सेटअप जो मैंने आपको दिखाया, वॉल्यूम के टोन को आप कम ज्यादा कर सकते हो यहाँ से, मतलब जो बीप आता है ना उसके हिसाब से। पार्क असिस्ट का डिले टाइमर 0 मैंने डाला हुआ है, मतलब बिल्कुल भी डिले नहीं होना चाहिए। लाइटिंग अप्रोच लैम्प को आप अपने एम्बिएंट लाइट, मैंने आपको बता दी, अप्रोच लैम्प आप खुद से सेलेक्ट कर सकते हो कितना देर तक उसको जलना चाहिए लाइट को, ठीक है। ये दोनों चीजें हो गई व्हीकल सेटअप में। अब आते हैं ऑडियो सेटअप, जो आपको मैंने पहले दिखाया वही सारी चीजें आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। उसके बाद फोन सेटअप में भी सारी वही चीजें, पेयर करोगे डिवाइस को, SMS अलर्ट नोटिफिकेशन कैसे मिलना चाहिए वो चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। कोई भी मैसेज आ रहा है आपके फोन में तो वो गाड़ी अपने आप रीड करके आपको बता देगी, वॉइस कमांड के थ्रू आप इसको बोल भी सकते हो। उसके बाद वॉल्यूम सेटअप, सिस्टम सेटअप देखने को मिल जाएगा, डेट एंड टाइम ये तो दिखाई दिया। उसके बाद थीम्स आपको देखने को मिलेगी, थीम्स इसमें काफ़ी सारी हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो आप जैसे कलर में जाओगे, कलर मैंने अगर ये सेलेक्ट किया ऑरेंज तो थीम एक्टिवेटेड, कलर पूरा चेंज हो गया आप देख सकते हो। और क्या कलर है, एम्बर कलर भी है इसमें, ये कलर आ गया, और एक कलर है इसमें पर्पल कलर भी ऐड हो चुका है, फिलहाल में ही ऐड हुआ था ये। ये भी देखने में काफी अच्छा हमको लग रहा है, ठीक है। तो ये तो सारे, बट ब्लू मेरे को काफी अच्छा लगता है इसमें, डिसेंट सा लगता है, ज्यादा अच्छा नहीं लगता बट डिसेंट लगता है, इसलिए ब्लू मैं रखता हूँ इसमें। लाइटिंग की अगर अपन बात कर सकते हैं तो लाइटिंग का आपको इंटेंसिटी कितनी ज्यादा या कम रखनी है वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो मतलब आप देख रहे हो गाड़ी की सारी चीजें, सारे फीचर्स आप यहीं से ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है। ये चीज मेरे को देखने को काफी अच्छी लगी। थीम्स में हो गया ये सारा काम, आपका साउंड वगैरह भी देखने को मिल जाएगा। उसके नीचे आपको मिल जाएगा सॉफ्टवेयर डिटेल्स मिल जाएगी देखने को, ये कब का वर्जन है, 23rd December 2020 का है ये। एंड अबाउट में आपको देखने को मिल जाएगा इसका रिसोर्स लाइसेंस के बारे में, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। अब मैं आपको बताऊंगा इसका वॉइस अलर्ट, जो मतलब वॉइस कमांड का जो फीचर है वो कैसे काम करता है। अब आप देखिएगा, अभी मेरा AC नीचे ब्लोअर ऑन है, ब्लोअर 1 पे चल रहा है, ठीक है। अब आप देखिएगा, मैं पहले इंग्लिश में कमांड दूंगा, उसके बाद मैं हिंदी में कमांड दूंगा, तो वो दोनों कमांड्स कैसे काम करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूं। सेट फैन स्पीड टू 5, श्योर सेटिंग फैन स्पीड टू 5। देख सकते हो जैसे आप फैन की स्पीड 5 पे सेट हो गई है, ठीक है। फिर से मैं इसको बोलूंगा, अब मैं हिंदी में बोल देता हूँ, ठीक है। आपने देख लिया इंग्लिश में काम करता है, हिंदी में अब आप देखिए, फैन स्पीड को 1 पे सेट करो, जैसा आपने सुना जरूर फैन स्पीड को 1 पे सेट, 1 पे सेट किया जा रहा है, ऐसा बोल करके गाड़ी आपके लिए सारे काम कर देती है। तो ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर वॉइस कमांड वाला, आप इसको बोल करके सारी चीजें कर सकते हो। एंड जब आप एंड्रॉयड ऑटो को कनेक्ट कर लोगे उसके बाद आप वॉइस कमांड दे करके ही बता सकते हो कि आपको मैसेज रीड कर लो, कोई मैसेज आपको सेंड करना है वो आप वॉइस कमांड से कर सकते हो, किसी लोकेशन पे जाना है वो आप वॉइस कमांड पे बोल सकते हो, वो सारी चीजें गाड़ी अपने आप करेगी। एंड सबसे मेन चीज जो इसके वॉइस कमांड की है वो है इसमें इंग्लिश कमांड प्लस हिंदी कमांड प्लस इंग्लिश, मतलब हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये तो सारी चीजें थी मेरी तरफ से जो मैंने पूरा कोशिश किया आपको बताने के लिए। यहाँ पे आप AC का भी सिलेक्शन को कर सकते हो, टेम्परेचर आपको बढ़ाना है या कम करना है तो कौन से डायरेक्शन में देना है AC के फ्लो को वो भी आप यहीं से चेंज कर सकते हो।
फ्लैप्स अंदर से ऑटोमेटिकली मैकेनिकल फ्लैप्स जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ब्लोअर की फैन स्पीड आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हो टच कर कर, ठीक है। तो मतलब आप देखिए, आपको मैनुअल कंट्रोल्स तो है ही, ये भी मैनुअल ही है, बट आपको टच में भी दे दिया, तो ये मतलब क्या है ना, जो प्रीमियम कार का जो फील है वो प्रॉपरली आपको मिल जाएगा इस गाड़ी में। इस इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको गाड़ी का हर फीचर मिल जाएगा, गाड़ी में क्या चीजें हो रही है क्या नहीं हो रहा है जो भी आपको देखना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इस इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको सब देखने को मिलेगा। एक जो चीज मैंने आपको बताई थी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप लास्ट तक वीडियो जरूर देखना, उस वजह से वो फोन से कनेक्ट कर लोगे तो आपको फोन में सारी डिटेल्स आ जाएंगी कि आपका ओडोमीटर कितना चला हुआ है, मतलब गाड़ी का ओवरऑल रीडिंग कितनी है, गाड़ी डिस्टेंस टू एम्प्टी कितना बचा हुआ है, गाड़ी माइलेज क्या दे रही है, वो सारी चीजें गाड़ी आपके फोन में भी शो करेगी। जस्ट आपको कनेक्ट नेक्स्ट करके एक एप्लीकेशन है, उसको गाड़ी से पेयर कर लेना है ब्लूटूथ के थ्रू, उसके बाद वो सारी डिटेल्स जो इसके मीडिया में आपको मिलती है, इंफोटेनमेंट में आपको मिलती है, वो सारी चीजें आपको आपके मोबाइल में भी देखने को मिलेंगी। तो मेरे हिसाब से अगर मैं बताऊं तो प्रीमियम टच जो टाटा मोटर्स ने दिया है एल्ट्रॉस के अंदर, वो तो अपने को देखने को बहुत अच्छे से मिल रहा है। एंड ये इंफोटेनमेंट सिस्टम अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, इसमें सारी फीचर्स सारी चीज़ आपको गाड़ी की समझने के लिए देखने को मिल जाएंगी। तो आपकी क्या राय है इस बारे में, आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। तो बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।